भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की धूमधाम से मनाई गई जयंती। डंडई से अमीर हसन अंसारी की रिपोर्ट। डंडई प्रखंड क्षेत्र के जहरी गांव स्थित अयोध्या बांध के पास 20 अप्रैल रात्रि बुधवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 131वीं जयंती मनाया गया। इस मौके पर उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता ताहिर अंसारी ने कहा कि देश भर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। बाबा साहेब देश के एक ऐसे शख्स थे जिनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। उन्होंने भारत के संविधान निर्माण में एक पिता की भूमिका निभाई। वे हमेशा शोषितों के लिए लड़ते रहे और जातिवाद को चुनौती देते रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व के विषय में छात्रों को ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। छात्र अपने ज्ञान का प्रयोग प्रतियोगी परीक्षा में कर सकते हैं या वाद विवाद और स्पीच देते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इस सिंपल स्पीच के माध्यम से जानते हैं कि आप अंबेडकर जयंती पर किस तरह अपने विचारों को शब्दों। स्कूल प्रशासन मानता था कि अगर वो पानी पी ले तो बर्तन अशुद्ध हो जाएगा। जिस बाबा साहब अंबेडकर को इसलिए सिर्फ संस्कृत की पढ़ाई से वंचित रहना पड़ा क्योंकि संस्कृत के अध्यापक ने उन्हें संस्कृत पढ़ाने से मना कर दिया। और शायद इसके पीछे अवधारणा यह थी कि किसी अछूत को संस्कृत नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। वहीं बाबा साहब अंबेडकर ने दो दो PhD, दो दो परास्नातक डिग्री सहित अपने जीवन में कुल 27 अकेडमिक डिग्री हासिल की थी। जिन बाबा साहब को एक संस्कृत जानने से वंचित रहने जाने की कोशिश की गई, उन डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया की तकरीबन 14 भाषाओं में महानता हासिल की थी। उन्होंने अपने स्वयं के प्रयास से संस्कृत का ग्रहण अध्ययन भी किया था। वाकई ये सब कुछ चमत्कार के जैसा ही है, लेकिन यह चमत्कार नहीं था, यह उनके दृढ़ निश्चय, अटूट हौसले और अपमान की उस पीड़ा को परिवर्तन के परिणामों के बदले देने जिद का नतीजा था। जिस अपमान और पीड़ा को उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में बहुत लंबे समय तक झेला था। और इसी मौजूदगी में जिला परिषद प्रत्याशी उर्मिला देवी ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर की जिंदगी की पटकथा की खूबसूरती यही थी कि उन्होंने अपने जीवन में न सिर्फ अपने तमाम अपमानों से कहीं ज़्यादा सम्मान हासिल किया, बल्कि जिन स्थितियों से उन्हें गुजरना पड़ा बाद में उन स्थितियों के उन्मूल का उन्हें ही जरिया बनाने का गौरव भी हासिल हुआ। यह महान उपलब्धि है और दुनिया में गिने चुने महान पुरुषों को ही उनके जितने जी हासिल हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर के अपने दौर में ही इतनी प्रतिष्ठा हो चुकी थी कि गोलमेज सम्मेलन में ही हिस्सा लेने के लिए जब वह पहुंचे थे तो तमाम अंग्रेज अपने कुर्सी से उठकर उनका अभिनंदन किए करते थे। वह अपने दौर में अकेले ऐसे शख्स थे जो महात्मा गांधी के जैसे प्रतिष्ठा हासिल कर चुके थे। आज भी माना जा रहा है कि अगर गांधी जी के बाद भारतीय मुद्रा में किसी शख्स की तस्वीर छप सकती है तो वह डॉक्टर अंबेडकर ही हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर डॉक्टर अंबेडकर को बहुत बहुत अपमान झेलना पड़ा जो किससे कहानियों तक को शर्मसार करता है, तो उन्हें बहुत बहुत सम्मान भी मिला जो उनकी प्रतिष्ठा तो दर्शाता ही है, उनकी प्रतिष्ठा को चमत्कार ही हद तक ले जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह तमाम सम्मान और प्रतिष्ठा अपनी वैदिकता और वैचारिकता और अपनी नैतिकता के चलते हासिल की थी। इस मौके पर उपस्थित थाना प्रभारी सुनील कुमार पटेल ने अपने दल बल के साथ देखरेख के मौजूद रहे और जिसमें मुख्य रूप से प्रोग्राम सफल बनाने के लिए रामजी राम मोहन पासवान, राम प्रस्ताप राम, सुरेंद्र राम, रामनाथ पासवान, संजय चौधरी, राजेंद्र राम, निजाम अंसारी, जफर इकबाल, अमर राम, मुखलाल राम, राजकुमार चौधरी, परवेश राम, गंगा राम, महेंद्र, अखिलेश राम चौधरी, अखिलेश राम, असलम अंसारी और काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।